श्रीकाल, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं आरजे गुरप्रीत प्रोग्राम सांझी गपशप में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर रोज आपके साथ किसी न किसी बात को लेकर आपसे रूबरू होती हूँ, और आज भी ऐसी ही एक बात को लेकर रूबरू हुई हूँ। जैसे कि मैं आज सुबह आ रही थी तो मैंने क्या देखा कि एक नौजवान लड़का जो भी कच्ची उम्र का था वो एक बुजुर्ग से लड़ रहा था। शायद मुझे उनको देखकर ऐसा फील हुआ कि वो उन दोनों की आपस में व्हीकल्स जो है वो टकराई थी, और उसके बाद जब वो बुजुर्ग थे उस नौजवान लड़के को समझा रहे थे तो भी वो लड़का आगे से आर्ग्यू कर रहा था। और जब उन्होंने उसको समझाया तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए ना सही, अब तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हारी आगे सेफ्टी के लिए तुम ये जो कानों में हेडफोन लगाकर चल रहे हो ना, इसको अवॉइड करना, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी ही गलती हो, एक तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरी बात हम बुजुर्गों का अपमान करते हैं, हम उनसे आगे से आगे आर्ग्यू करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप क्या जानते हैं, आपसे ज्यादा तो हम जानते हैं, हम आज के बच्चे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हमसे कहीं गुना बड़े हैं और उनका तजुर्बा भी हमारे से कहीं गुना बड़ा है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सेफ्टी रूल्स बने हुए हैं वो हमारे लिए ही बने हुए हैं। उस लड़के को देखकर, उस नौजवान को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने बुजुर्गों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और जब वो बुजुर्ग उनको समझा रहे थे तो उनको कह रहा था, हो गया आपका, मैं आप चलूं, मतलब इतनी लापरवाही खुद के प्रति तो कर ही रहा था और साथ ही साथ अपने से बड़ों का अपमान भी कर रहा था, और आते जाते लोग उसको देख भी रहे थे। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से अपना नेचर दूसरों के सामने खुद ही रख देते हैं, और कहीं ना कहीं जब हमें उसका भुगतान करना पड़ता है तो फिर हम अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमसे ही हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप उन रूल्स को फॉलो करना सीखिए जो हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। ये जिंदगी केवल हमारी नहीं है, हमारे परिवार की भी है। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स आस लगाते हैं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर गया है तो वो वापस भी आएगा। तो अपने लिए ना सही, उनके लिए अपना ख्याल रखिए और रूल्स को फॉलो कीजिए, और इस तरह बुजुर्गों का अपमान मत कीजिए। तो अगर आप भी अपने विचार मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, मेरे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।